हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और आज की क्लास में हम लोग यूपी पीजीटी के इम्पॉर्टेंट टॉपिक हिंदू सामाजिक संगठन के संदर्भ में देखेंगे कि भिन्न भिन्न समाजशास्त्रियों ने इसके संदर्भ में क्या बताया है तथा इन्हें किन किन रूपों में विभक्त किया गया है। तो देखिए, हिंदू सामाजिक संगठन जो है, इसे जॉन्स महोदय ने बताया है कि सामाजिक संगठन की वो व्यवस्था जिसमें कि उसके जो विभिन्न अंग होते हैं वो परस्पर क्या करते हैं, एक दूसरे से संबंधित होते हैं। और वो संबंध किस प्रकार का होता है, तो वो अर्थपूर्ण तरीके से एक दूसरे के साथ जो संबंधित होते हैं उसे हिंदू सामाजिक संगठन बोला जाता है। जैसे कि आपका जो हिंदू समाज के अंतर्गत क्या होता है, हमारे जो विभिन्न धर्म, हमारी जाति, हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार, हमारा जो कर्म तथा पुनर्जन्म में विश्वास है, महायज्ञ हो गया, पुरुषास्त्र हो गया, वर्ण व्यवस्थाएं हो गई, संयुक्त परिवार, एकाकी परिवार, जाति व्यवस्था, ग्राम पंचायत, ये सभी चीज़ें क्या है, एक संगठन है। और ये संगठन किस प्रकार का है, तो सामाजिक संगठन है। और ये किसके अंतर्गत आता है, तो ये हिंदू सामाजिक संगठन के अंतर्गत आता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। इसलिए आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि क्लास को लास्ट तक देखें। अगर आपको क्लास हेल्पफुल लगे तो अपने दोस्तों के भी शेयर करें तथा मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। तो देखिए, हिंदू सामाजिक संगठन किसे कहा जाता है। जैसे देखिए, जाति प्रथा या संयुक्त परिवार का भारतीय समाज में एक निश्चित स्थान होता है, हम सभी जानते हैं, तथा उसका एक अपना अपना कार्य भी निर्धारित होता है। इन निश्चित कार्यों और निश्चित स्थान के आधार पर जाति प्रथा और संयुक्त परिवार का किसी न किसी रूप में एक दूसरे के साथ जो संबंध होता है और उसके फलस्वरूप उनका एक संगठित एवं संतुलित रूप हमें देखने को मिलता है, वो रूप प्रकट होता है, इसी को क्या कहा जाता है, सामाजिक संगठन कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय सामाजिक संगठन के आधार क्या हैं, तो भारतीय सामाजिक संगठन को दो भागों में विभक्त किया गया, दार्शनिक आधार पर और संगठनात्मक आधार पर। दार्शनिक आधार पर यानी जो स्पिरिचुअल थॉट्स के आधार पर होता है, जैसे हमारे संस्कार हो गए, पुरुषार्थ हो गए, कर्म या पुनर्जन्म हो गया, पंचऋण तथा महायज्ञ हो गए, ये सब आ जाएंगे आपके दार्शनिक आधार पर। और जो संगठन के आधार पर होता है उसमें आपकी वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, संयुक्त परिवार, जाति व्यवस्था, सांस्कृतिक जो विविधताएं होती हैं, ग्राम पंचायत, ये सभी आ जाएंगे संगठन के आधार पर, क्योंकि इन सभी का संगठन किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं आश्रम व्यवस्था की, आश्रम व्यवस्था होती क्या है। पुरुषास्त्र की अवधारणा में शामिल जो हमारे मूल्य होते हैं और मूल्यों की सिद्धियों के लिए आश्रम व्यवस्था निर्धारित की गई है। आश्रम प्रणाली के तहत मानव जीवन को चार चरणों में बांटा गया था और हर चरण में आपका सामाजिक जिम्मेदारियां और कर्तव्य होते थे जो कि सामाजिक स्थिरता में योगदान देते थे। तो हमारा जो जीवन है, हमारे जीवन का पूरा कार्यकाल है, उसको पूरे कार्यकाल को चार भागों में विभक्त किया गया है। इसी के संदर्भ में पीएन प्रभु महोदय जी ने बताया था कि जो ये आश्रम शब्द है, ये श्रम धातु से बना है, जिसका कि दो अर्थ निकलता है। एक तो वो हो गया कि वो स्थान जहाँ पर प्रयत्न या उद्योग किया जाता है, और सेकंड उन्होंने बात की है कि वो प्रयत्न या उद्योग के लिए की जाने वाली क्रिया, हम कोई भी क्रिया करते हैं तो उसके संदर्भ में। डॉक्टर प्रभु ने यह भी बताया कि आश्रम जीवन के अंतिम लक्ष्य प्राप्ति की यात्रा के मार्ग पर पड़ने वाले या विश्राम स्थल के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, कि हमारे जीवन का एक अंतिम लक्ष्य होता है। कोई भी व्यक्ति संसार में आप ले लीजिए तो सबके उसके जीवन का अंतिम लक्ष्य होता है, और वो अंतिम लक्ष्य क्या होता है, मोक्ष की प्राप्ति। तो वो मोक्ष की प्राप्ति कैसे करता है, वो चार प्रकार के आश्रम व्यवस्थाओं को पार करके अपने जीवन के मोक्ष की प्राप्ति करता है। इसी के संदर्भ में महाभारत जो महाग्रंथ है, जिनकी रचना किनके द्वारा की गई थी, वेद व्यास जी के द्वारा, वे बताते हैं कि आश्रम व्यक्तित्व की विकास की चार सीढ़ियाँ हैं।
जिन्हें चढ़कर व्यक्ति ब्रह्म की प्राप्ति करता है, यानी ईश्वर की प्राप्ति करता है। और भारतीय संस्कृति में व्यक्ति के जीवन में ये जो चार लक्ष्य होते हैं, वे या चार पुरुषार्थ आप बोल सकते हैं, वे होते हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष निर्धारित किए गए। और इन्हीं अवस्थाओं को जो प्राप्त करके या पूर्ण करके या इन सीढ़ियों पर चलकर जब व्यक्ति ब्रह्म की ओर पहुँचता है, तो और वो ब्रह्म की प्राप्ति के लिए कौन मदद करता है, ये आश्रम व्यवस्था ही मदद किया जाता है। तो भारतीय संस्कृति में आश्रम व्यवस्था को कितने भागों में बांटा गया है, चार भागों में। तो सबसे पहला जो चरण है वो है ब्रह्मचर्य चरण, ब्रह्मचर्य की अवस्था, जिसको कि बोला जाता है विद्यार्थी जीवन। इसमें वो शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरुकुल में प्रवेश करता है कोई बालक, वो अनुशासन का जीवन होता है। इनका जीवन इस प्रकार व्यवस्थित होता है कि व्यक्तित्व का विकास, संतुलित विकास होता है, और उनके कर्तव्य में तपस्या का जीवन, गुरु की सेवा इत्यादि इसमें शामिल होते हैं। और ये जीवन के प्रारंभिक जो 25 वर्ष होते हैं वो ब्रह्मचर्य के आश्रम में रहना पड़ता है। और इसमें जो उपनयन संस्कार होता है, उपनयन संस्कार के पश्चात बालक को ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश मिलता है। और ब्रह्मचर्य का अगर आपसे शाब्दिक अर्थ पूछा जाए तो महानता के मार्ग पर चलना या महान आत्माओं के आचरण का अनुसरण करना। और इस आश्रम में व्यक्ति गुरुकुल में प्रवेश कर आत्मसंयम रखता है, कर्तव्य निष्ठ बनता है, नैतिकता उसके अंतर्गत आती है, सदाचार आता है, और वह सदाचार का पाठ सीखता भी है। और उसकी जो समस्त उसकी जो विधाएं हैं, जो शिक्षाएं हैं, जो उसको ज्ञान की प्राप्ति होती है, वो इसी आश्रम व्यवस्था में होती है। तो हम देखते हैं कि आश्रम व्यवस्था का ये के अंतर्गत जो ब्रह्मचर्य आश्रम है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि इससे व्यक्तित्व के विकास का आधार होता है। इसको सांस्कृतिक परंपराएं जो होती हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होती हैं। व्यक्ति को अपने कर्तव्य का ज्ञान होता है इसी आश्रम व्यवस्था में। उसके बाद जो सादा जीवन, उच्च विचार की जो प्रेरणा होती है वो किसी विद्यार्थी को इसी ब्रह्मचर्य आश्रम में ही मिलती है। तो ये जो ब्रह्मचर्य आश्रम है, ये अभी का हमारा जो एजुकेशन लाइफ का टाइम है उसी के बारे में बताया गया है। सेकंड है हमारा गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम जो है ये जो 25 वर्ष की आयु है रहने के पश्चात व्यक्ति को क्या होता है, विवाह संस्कार के उपरांत गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करवाया जाता है। और ये 50 वर्ष की आयु तक की अवस्था होती है। इसमें जो व्यक्ति होता है वह सभी प्रकार के अपने जो ब्रह्मचर्य आश्रम में जो शिक्षा उसको मिली है उसका व्यवहारिक रूप में वो क्या करता है, प्रयोग करता है। और अपने परिवार का, अपने समाज का जो उसका कर्तव्य होता है, जैसे सामाजिक जीवन हो गया, करुणा, दान आदि को भी वो क्या करता है, इसी गृहस्थ आश्रम में पूरा करता है। और ये चरण मुख्य रूप से मनुष्य के भौतिक और भावनात्मक आग्रहों की संतुष्टि के लिए होता है। क्योंकि इसमें व्यक्ति क्या होता है कि जो ब्रह्मचर्य आश्रम है उसको ज्ञान की प्राप्ति हुई है, वो इसी आश्रम गृहस्थ आश्रम में पूर्ति होती है। और ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण आश्रम बोला जाता है कि अगर आपको ईश्वर का प्राप्त करना है तो आपको क्या होगा, गृहस्थ आश्रम में रहना पड़ेगा। गृहस्थ आश्रम में रहने के बाद ही व्यक्ति बोलता है कि सही प्रकार से वो एक पुण्य आत्मा बन सकेगा। और इसमें बोला जाता है जो गृहस्थ आश्रम वासी होते हैं उसको क्या किया जाता है, सभी प्रकार के कर्तव्य निष्ठ होता है, वह सभी प्रकार के कर्तव्यों को पालन करते हुए अपने मोक्ष की प्राप्ति इसी आश्रम में करता है। थर्ड है वानप्रस्थ आश्रम। ये हिंदू धर्म ग्रंथ के अनुसार जब व्यक्ति 50 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है तो उसे लगे कि उसके गृहस्थ दायित्व पूरा हो चुका है, तो वह समस्त अपना जो कार्यभार है अपने पुत्रों को छोड़कर वन की तरफ प्रस्थान कर जाना चाहिए। वानप्रस्थ आश्रम में व्यक्ति 75 वर्ष की आयु तक रहता है और इसमें वो अपनी पत्नी को भी साथ रख सकता है, जहाँ दोनों सदाचारी जीवन व्यतीत करते हुए मोक्ष के लिए तैयार होते हैं। और ये लगभग 50 वर्ष के बाद ही शुरू होता है। तो इससे क्या होता है कि व्यक्ति धीरे धीरे जो सांसारिक मामले हों उससे वो विमुख होने
लगता है और भगवान की तरफ उसका ध्यान और ज़्यादा बढ़ने लगता है। इसमें आत्म संयम और दूसरों के प्रति मित्रता और परोपकार का जो जीवन है उसका साथ का ज्ञान उसको साझा करना होता है और उसे अंतिम चरण में समाज से पूर्ण त्याग माना जाएगा। जब वो अंतिम चरण में पहुँचेगा तो उसे समाज से वो पूरी तरह से अपने आप को बाहर निकाल लेता है। और ये जो आश्रम है इसमें व्यक्ति संन्यास आश्रम के लिए तैयार होता है क्योंकि चौथा आश्रम जो है संन्यास आश्रम, तो इसी में वो तैयारी अपना करता है, पहले से प्रिपरेशन करता है क्योंकि वो जंगल में जाकर रहता है, कुटिया बना कर रहता है, कंदमूल फल खा के रहता है, सदाचारी जीवन जीता है, तो धीरे धीरे वो क्या होता है एक प्रैक्टिस उसको हो जाता है कि संन्यास आश्रम में किस प्रकार से रहना है। तो चौथा आश्रम क्या हो गया, संन्यास आश्रम, जिसे कि त्यागी जीवन भी बोला जाता है। इसमें हिंदू संस्कृति में माना गया है कि जब 75 वर्ष की आयु पूरी हो जाती है तो पूरी हो जाने के बाद व्यक्ति संन्यास की ओर आगे बढ़ जाता है और जहाँ वो अपने समस्त सांसारिक संबंधों का त्याग करता है, पत्नी को भी त्याग करता है, वो अपना पुराना नाम त्याग कर करके नया नवीन संन्यासी नाम ग्रहण करता है, अपना भोजन संबंधी जो उसकी आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति के लिए वो दिन में एक बार भिक्षा मांगने के लिए निकलता है और उसे जो कुछ भी मिले उससे वो संतुष्टि के साथ अपना भोजन ग्रहण करता है और सांसारिक सुख के अंतर्गत जितने भी उसके सांसारिक सुख हुए, दुख हुए, मृत्यु हुए, इन सभी से वो परे चल जाता है और परे जाकर वो मोक्ष की प्राप्ति, परमात्मा में लीन हो जाता है, चाहता है मोक्ष की प्राप्ति चाहता है। उसे उम्मीद की जाती है कि वे पूरा समय जो है वो आध्यात्मिक खोज की ओर अपना ध्यान लगाने में करेगा और ये भक्ति मार्ग की ओर आगे बढ़ने लगता है। हमारा नेक्स्ट जो है वो है वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था जो है इसमें हिंदू सामाजिक संगठन में प्रत्येक राजनीतिक और आर्थिक गतिविधि जीवन के हिंदू दृष्टिकोण के संदर्भ में होती है। वर्ण व्यवस्था पारंपरिक हिंदू समाज के एक सदस्य को विभाजित कर रही एक वैचारिक निर्माण जहां पर प्रत्येक वर्ण एक विशेष व्यवसाय से जुड़ा होता है। शब्दवे के रूप में वर्ण का अर्थ होता है रंग या और यह व्री शब्द से उत्पन्न होता है जिसका कि अर्थ होता है किसी के व्यवसाय को चुनना। तो मेनली हम कह सकते हैं कि जो वर्ण व्यवस्था है इसमें सभी वर्णों को उसके कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं, कोई भी वर्ण दूसरे के कार्यों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। और अगर वर्ण व्यवस्था की विशेषता की बात की जाए तो ये गुण स्वभाव तथा कर्म पर आधारित होता है। इसमें श्रम विभाजन हमें देखने को मिलता है, इसमें अधिकार एवं कर्तव्यों का पहले से ही निश्चित कर दिया जाता है, व्यवसाय का निर्धारण होता है, कोई भी व्यक्ति अपने जाति के बाहर अपने वर्ण के बाहर कोई भी कर्म को नहीं करेगा, कर्म और पुनर्जन्म का इसमें बहुत ही ज़्यादा हमें मेल देखने को मिलता है। अब हम लोग देखते हैं कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो वर्ण चार प्रकार के होते हैं। ब्राह्मण जिसे कि पुजारी बोला जाता है, अर्थात तो हो गया ये कि पहला बोल रहा है ब्राह्मण और ये इंद्रिय संयम करते हुए ब्राह्मण के 6 कर्तव्य बताए हैं और वे 6 कर्तव्य क्या है, अध्ययन, अध्यापन, यज्ञ कराना, यज्ञ करना, दान देना और दान लेना। जो ब्राह्मण का कर्तव्य बताया गया कि वो यज्ञ कराएगा, वो दान लेगा, दान देगा, इस प्रकार का जो उसका काम ये बताया गया है। सेकेंड है क्षत्रिय। क्षत्रिय जो होते हैं योद्धा, तो इसमें मनुस्मृति के अनुसार प्रजा की रक्षा करना, यज्ञ करना, अध्ययन करना, विषयों में आसक्ति ना रखना, दान देना आदि क्या है, आदि जो भी धर्म है वो किसके अंतर्गत आते हैं, क्षत्रिय धर्म के अंतर्गत आते हैं। थर्ड हो गया वैश्य जिसे व्यापारी बोला जाता है। मनुस्मृति ने इनको बताया है कि वैश्य समाज के भरण पोषण का दायित्व अपने कंधे पर लेकर बंधुओं की रक्षा करते हैं, दान देना, यज्ञ करना, अध्ययन करना, व्यापार करना, ये सभी चीज़ें किनका काम है, ये तो ये सभी काम जो है ये वैश्य धर्म के अंतर्गत है। और फोर्थ है शूद्र जिसे कार्यकर्ता करता है, तो शूद्र का काम होता है जो उपरोक्त 3 वर्ण होते हैं ना उनको सेवा प्रदान करना, उनको सेवा प्रदान करने का काम कौन करता है, शूद्र के द्वारा किया जाता है। अब हम लोग देख रहे हैं कि जाति प्रथा, तो जाति, जाति ये जो शब्द है जन धातु से उत्पन्न हुई है जिसका कि अर्थ होता है जन्म लेना।
इस प्रकार जाति का संबंध किससे है, तो जन्म से है। जाति सामाजिक वर्ग संगठन का वो चरम रूप है जिसमें स्थित कर्म व्यक्तियों की स्थिति वंश और जन्म से निर्धारित होती है। जो व्यक्ति जिस जाति के अंतर्गत जन्म लेगा उसको आजीवन अपने जाति के अंतर्गत ही रहने के लिए वो बाध्य रहता है। जाति की व्यवस्थाओं की बात की जाए तो जातियों को श्रेणीबद्ध स्थिति, इसकी श्रेणी के शीर्ष पर ब्राह्मण जाति आती है। स्थिति की स्थिति और व्यवसाय, मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में एक जाति के लोग एक ही व्यवसाय का पालन करते हैं। हालांकि ये कुछ कुछ अभी चेंज हमें देखने को मिल रहा है। कोई जाति के लोग जो हैं वो बाहर अन्य जाति के अपना पेशा को भी अपना रहे हैं, वो देखने को मिल रहे हैं कि वो अपनी जाति से बाहर भी काम कर रहे हैं। फिर गोत्र बहिर्विवाह के साथ अंतर्विवाह, एक जाति या उपजाति के सदस्यों को आमतौर पर अपनी जाति या उपजाति के भीतर ही विवाह करना चाहिए। प्रत्येक जाति में गोत्र बहिर्गम भी टीका है, अर्थात एक ही गोत्र में विवाह निषेध है। फोर्थ है एक विशेष परिवार का नाम, प्रत्येक जाति का एक विशेष नाम होता है जिसे अपने पहचान सके, आप उसको पहचान सकते हैं। और कभी कभी कोई व्यवसाय किसी जाति विशेष से भी होता है कि पता चल जाता है कि अगर कोई व्यवसाय है तो ये स्पेशल कोई जाति का ही होगा, कोई अलग का नहीं होगा। जैसे बोले जाते हैं ना तो ग्वाला, तो ग्वाला सुनने से हम लोग को क्या लगता है कि जरूर ये दूध बेचने का काम करते होंगे, तो इस प्रकार का कोई जाति विशेष का कर्म होगा। शुद्धि और धारणा की अवधारणा, उच्च जातियों ने अनुष्ठान आध्यात्मिक और जातीय शुद्धि का दावा किया जिसे उन्होंने धारण के माध्यम से जातियों को दूर रखा। यहाँ पर देखिए मैं वर्ण तथा जाति में आपको भेद करने के लिए लेकर आई हूँ। तो वर्ण का संबंध किसी रंग या व्यवसाय से होता है, तो जाति का संबंध किससे होता है, जन्म से होता है। वर्ण में जहाँ अज्ञान की संख्या चारी है, अर्थात जो वर्ण है वो चार प्रकार के हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। और जातियाँ जो है उसमें बहुत सारी आपको जाति के अंतर्गत भी इसका उपजाति देखने को मिलेगी। वर्ण में जहाँ आक्षेप निर्धारण की तुलना में वर्ण व्यवस्था के और ज्ञान के मामले स्थिर होते हैं, तो जाति या कठोर सिद्धांतों पर आधारित है। वर्ण व्यवस्था सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक व्यक्तित्व से मुक्त होता है, सदस्यों पर इसकी कोई प्रतिबंध लगे रहते हैं। किसमें, तो ये जाति में लगे रहते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि पुरुषार्थ किसे कहा जाता है। पुरुषार्थ एक संस्कृत शब्द है जिसका अनुवाद मानव खोज की वस्तु या मनुष्य के लक्ष्य के रूप में किया जा सकता है। यह एक जीवन और मोक्ष का अंतिम लक्ष्य प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति के प्लेसमेंट में होने वाले लक्ष्यों से संबंधित होता है। पुरुषार्थ जो होता है यह भारतीय संस्कृति में व्यक्ति के जीवन का लक्ष्य होता है। हिंदू धर्म में अगर बात की जाए तो चार पुरुषार्थ माने जाते हैं, अर्थात अच्छे जीवन जीने के लिए चार प्रकार के पुरुषार्थ के बारे में बात की गई है। हम लोग क्या जानते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो धर्म यानी नैतिक कर्तव्य, अर्थ अर्थात आर्थिक समृद्धि, काम या खुशी, मोक्ष मतलब मोक्ष या कैवल्य। तो देखिए धर्म क्या होता है, धर्म का अर्थ होता है अपने कर्तव्यों को नैतिकता पूर्ण निर्वहन करना, उसको धर्म बोलन कर बोला जाता है, यानी धारण करना। अर्थ उन सभी साधनों का प्रयोग जिनसे व्यक्ति भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, उसको अपने भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए जिस जिस चीज़ों की आवश्यकता होती है उसकी वो पूर्ति करता है। किसमें, तो अर्थ में पूर्ति करता है। काम यानी संतानोपत्ति हेतु वैवाहिक जीवन का निर्वाह करते हुए सांसारिक इच्छाओं एवं कामनाओं की संतुष्टि। और मोक्ष हो गया, मोक्ष या कैवल्य ये जीवन का अंतिम उद्देश्य इसे बताया गया है। इसे चलिए हम लोग और डिटेल्स में देखते हैं। तो धर्म मनुष्य की विशेषता होने के कारण मोक्ष का अंतिम लक्ष्य इसे माना गया है, और सभी एक दूसरे के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए होते हैं। धर्म अर्थ के साथ, अर्थ का अर्थ काम से, काम मोक्ष की ओर ले जाता है। मोक्ष के बिना धर्म केवल एक अनुष्ठान मात्र बन के रह जाता है, और धर्म के बिना अर्थ लोभ है, अर्थ के बिना काम वासना है।
अगर हम पुरुषार्थ के महत्व की बात कही जाए तो ये आश्रम प्रणाली से निकटता से जुड़ा हुआ है और मानव गतिविधियों को मोक्ष के अंतिम लक्ष्य की ओर ले जाने में ये हेल्प करता है और ये जीवन के जीवन जीने के उच्च जो उच्चतर स्तर होते हैं उसको प्राप्त करने के लिए एक मार्गदर्शन का काम करता है। यह अपने भौतिक समृद्धि और इच्छा को पूरा करने हेतु अपने नैतिक कर्तव्य को पालन करने के लिए हमें क्या करता है, एक रास्ता दिखाता है और यह मानव के अस्तित्व का परम मार्ग है। देखिए आप सभी इस सारी चीज़ों को नोट डाउन करते जाइए। अब हम लोग देखते हैं अपना लास्ट टॉपिक, वो है भारतीय सामाजिक संकट। तो आधुनिक भारतीय कई सामाजिक रूप से उनको बहुत सारे समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और अगर बात की जाए तो हमारे सामाजिक सांस्कृतिक परंपराएं, अलौकिक विपणक अतीत और जो हमारे सांस्कृतिक राजनीतिक रूप है उससे हम लोग को बहुत सारे भारत के कुछ ऐसे समस्याएं जिससे कि हम लोग देख रहे हैं या विपदा के रूप में हमारे सामने आ रही हैं। तो वे कौन कौन से समस्याएँ, हम गरीबी को देख रहे हैं, जातिवाद और सांप्रदायिकता की समस्या से भारत के वासियों को जूझना पड़ रहा है, नौकरी की समस्या है, कर्णभूण हत्या है, समर्थन रक्षा के लिए हत्या की जाती है, उसके बाद लिंग भेद, ये सारी समस्याएं जो हैं हमें अपने भारतीय समाज में देखने को मिल रही हैं। तो आई होप आप लोगों को हिंदू सामाजिक संगठन बहुत ही अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।